दोस्तों, पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि भगवा लेफ्ट रेट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मुसलमान लड़कियां गैर मुसलमान हो रही है, आखिर क्यों, इसकी क्या वजह है? पहले तो दोस्तों मैं आपको दो वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसे देखकर आपको गुस्सा भी बहुत आएगा और दिमाग की जो नसें है ना वो खुल जाएंगी। देखिए पहले। मेरा नाम जुलेखा जाफरी, बहेड़ी की रहने वाली हूँ। एक लड़के से मेरा अफेयर था, प्रतीक जाट नाम है उसका। वो बहेड़ी मुंडिया घाट गाँव का रहने वाला है। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ सब कुछ किया। 5 साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना कर रहा है। 8 दिन तक मुझे अपनी वाइफ की तरह रखा, सब कुछ किया मुझे, धोखे से मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ सब कुछ किया और अब वो मना कर रहा है। उसकी मम्मी को भी सब पता है, पापा को भी। उसकी मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे, नेक दिया, बोले अब तुम हमारी बहू बन गई, हम शादी कर लेंगे, और मुझे घर भेज दिया। अब मैंने जब शादी के लिए बोला, उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। 20 तारीख को उसकी शादी तय कर दी। तो दोस्तों देखा आपने जुलेखा जाफरी के साथ क्या हुआ, वो कैसे प्रतीक यानी एक गैर मुसलमान से मोहब्बत करती है और अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आ जाती है और बाद में वो लड़का भी मना कर देता है शादी करने के लिए। यानी धोबी का कुत्ता न घर का न खाट का। अब दोस्तों मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाना चाहूंगा, आप उसे भी देखिए। आप आज जो शादी करना चाहती हैं अपनी मर्जी से कर रही हैं या किसी का जोर दबाव? हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज से? कब से जानते हैं आप राम को? 6 सालों से। 6 सालों से जानते हैं। किसी का कोई जोर दबाव तो नहीं है शादी करने में? अपनी इच्छा से राम से शादी करना चाहती हैं? अच्छा, आपके घर वाले तो कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं? नहीं, अब वो कुछ नहीं करेंगे। देखा दोस्तों आपने, फरहान अंसारी जिनका नाम अब जानकी है, वो एक गैर मुसलमान यानी राम नाम के लड़के से शादी कर लेती है और गैर मुसलमान बन जाती है यानी काफिर बन जाती है। मेरी बहनों वापस लौट आओ इस्लाम की तरफ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में, और मुशरिक औरतों से शादी ना करो, फिर वो चाहे तुम्हें कितनी ही प्यारी क्यों ना हो, उससे बेहतर है एक गुलाम औरत जो ईमान वाली है। इसी तरह मर्दों के लिए भी है, और मुशरिक मर्दों से शादी ना करो, फिर वो चाहे तुम्हें कितना भी अच्छा क्यों ना लगता हो, उससे बेहतर है एक गुलाम मर्द जो कि ईमान वाला है। दोस्तों आखिर क्या वजह है कि मुसलमान लड़कियां काफिरों के प्यार में पड़ रही हैं, भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं? इसका मेन रीजन है दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा जो स्टेजों पर खड़े होकर खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं भगवा लव ट्रैप का। और दोस्तों यहाँ तक कि इनके पास तो ऐसे ऐसे ऑफर्स हैं जैसे कि अगर आप मुसलमान की लड़की को पटाके लाओगे, उनसे शादी करोगे, तो आपको एक घर दिया जाएगा रहने के लिए, राशन सब कुछ फ्री दोस्तों, ऊपर से कैश लाखों रुपए का। तो यार ऐसा मौका आज के टाइम पे एक गैर मुसलमान लड़का क्यों छोड़ेगा, जबकि आज के टाइम पे कोई रोजगारी नहीं है, काम धंधा नहीं है, तो भाई ये तो उनके लिए गोल्डन चांस की तरह है। मतलब राशन से लेकर भाषण तक फ्री, ऊपर से एक मुसलमान को गैर मुसलमान बनाना उनके लिए पुण्य का काम हो गया यानी सवाब का काम हो गया। तो मेरे भाई ऐसा मौका गैर मुसलमान क्यों छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ये हमें ही समझना पड़ेगा कि हमें अपनी बहन बेटियों को कैसे समझाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब मुझे नहीं चाहिए, बस इसको शेयर कर देना। बस मिलते हैं अगले वीडियो में।